हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय सेल्फ रेनु धामा फ्रॉम गेटवे इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शंस में आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी बताए थे मैंने, मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देयर आर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रैक्शन? यू नो फ्रैक्शन मीन्स इक्वल पार्ट्स ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी कि एक पूरी चीज के आप जितने भी हिस्से करते हैं वो हर हिस्सा उस पूरे होल का फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 3/4 का मतलब अगर आप पूरा एक वन ऑब्जेक्ट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस 4 में से 3 जो हिस्से होंगे वो दिस वन इज कॉल्ड 3/4 ऑफ द होल। ये उसका पूरे का 3/4 हिस्सा कहलाता है। सो फ्रैक्शन मीन्स इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल, एक पूरे का हिस्सा। वेयर ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन एंड द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन विच इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड डाउन नीचे का जो हिस्सा होता है दिस वन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मैंने आपको बहुत सारे फ्रैक्शन समझाए थे, याद होगा आपको, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन एक्सेट्रा। अब इसमें आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपका टॉपिक क्लियर कराना चाहूंगी मैं आपको, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? फर्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फर्स्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन वन इस और इक्वल टू वन। क्योंकि जब नीचे वाली संख्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कैसा होता है, बड़ा। जब बड़ा होगा तो या फिर उसके इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे और आपका किसके इक्वल होगा, वन के। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों इक्वल है देन दिस वन इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वन के। अगर न्यूमरेटर बड़ा है आपका डिनोमिनेटर से तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तब उसकी वैल्यू हमेशा वन से ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन वन होगी। तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगेन रिपीट करा दिया मैं, क्लियर हो गया। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन इज द एक इट कंटेन्स ए होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शन। आपका एक होल नंबर होगा और उसके साथ एक मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन उसके साथ, ये दोनों इकट्ठे मिलकर क्या बनाता है, मिक्स फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का दोनों का कंबाइंड होकर बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको यहाँ पर यही सीखना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने, फर्स्ट कन्वर्ट 8 whole 2/3 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको 8 whole 2/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसको, 8 whole 1/3 मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में? देखिए, फर्स्ट आपने इसका डिनोमिनेटर जो है 3 उसको इसके होल जो नंबर है 8 उसमें मल्टीप्लाई किया, 8 multiply 3, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप इसके न्यूमरेटर यानी कि 2 में ऐड किया हुआ है। तो आपका और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहना है इस क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ न्यूमरेटर आपको कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और ये ऐड, यानी कि 3 multiply 8 या 8 multiply 3 एक ही बात है, तब उसमें आप 2 ऐड करेंगे। अब यहाँ देखिए 8 3 जा कितना हो गया आपका 24, और 24 में क्या ऐड प्लस किया आपने, फिर 24 में 2 प्लस किया और ये कितना हो गया 24 plus 2 26 upon 3। सो दिस मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 8 whole 2/3 किसके इक्वल हो गया 26 upon 3 के। इसी तरीके से आप जितने भी आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, मिक्स फ्रैक्शन को। जब भी आपको एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी आपको बेसिक ऑपरेशन करना हो फ्रैक्शंस के बीच में, तो सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट नहीं कर सकते। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तभी आप उसका एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इजीली कर सकते हो। अब इसका सेकंड जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना, मिक्स फ्रैक्शन में। हियर कन्वर्ट, एक एग्जाम्पल इसके लिए भी दिया है मैंने, कन्वर्ट 16/3 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। 16/3 कैसा है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है 16 और डिनोमिनेटर 3, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसको
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको यहाँ देखो साइड में डिवाइड करके दिखाया। आप इस तरीके से डिवाइड यहाँ पर शो करके दिखाया, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इस चीज को डायरेक्ट बिना डिवाइड शो करे भी कर सकते हैं, पर यहाँ आपको स्टार्टिंग है आपको समझने के लिए। अब आप न्यूमरेटर जो है इसमें 16/3 का मतलब क्या होता है पता है आपको, 16 आपका क्या है डिवाइडर और 3 क्या है डिवाइजर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16/3। तो अब आपको यहाँ पर यही करना है, इस 16 को 3 से डिवाइड करना है, 16 एज ए डिवाइडेंट आपने यहाँ लिखा और 3 एज ए डिवाइजर। 3 का टेबल 16 में पढ़ेंगे कितनी जा जाएगा, 3 5 15, 16 में से 15 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचा 1 क्या हो गया ये आपका रिमाइंडर, 3 क्या है आपका डिवाइजर एंड 5 इज क्वेशेंट और 16 इज डिवाइडेंड। अब इन इसको किस किस को यूज करना है आपको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइजर क्वेशेंट और रिमाइंडर, इन तीनों का यूज होता है कैसे यहाँ पर देखिए। अब यह क्वेशेंट आपका कितना है 5 देखिए ये है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के होल नंबर में, होल नंबर जो है क्या हो जाएगा इसका 5, और रिमाइंडर आपका देखो कितना बचा नीचे 1, और ये रिमाइंडर किस में कन्वर्ट हो जाए आपका न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर आपका मिक्स फ्रैक्शन इसके लिए हो गया 1, और डिवाइजर जो आपका 3 है 3 से आपने डिवाइड किया और 3 किस में रहेगा आपका डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है इसमें भी और इसमें भी, तो डिनोमिनेटर आपका 3 का 3 रहेगा जो कि आपका डिवाइजर था। अब इस तरीके से आप 16/3 प्रॉपर फ्रैक्शन को इम प्रॉपर फ्रैक्शन को 5 होल 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 5 इसका जो आपका क्वेशेंट है वो होल में हो गया और 3 कहाँ आ गया आपका डिनोमिनेटर में, 1 कहाँ आ गया ऊपर। अगर आप इसको ऐसे भी समझेंगे, अगर आप यूं सोचिए कि आपके पास 16 पेंसिल्स हैं और आपको अपने 3 फ्रेंड्स को इक्वल इक्वल डिवाइड करनी है, अब 3 फ्रेंड्स को इक्वल इक्वल बांटेंगे तो पूरी पूरी पेंसिल कितनी मिल जाएगी, 3 5 15, यानी कि 5 5 पेंसिल तो आप सबको तीनों फ्रेंड्स को दे सकते हैं और उसके बाद भी आपके पास एक बच जाएगी, तो 5 तो आपने होल पूरी बांट दी और एक आपके पास बची कितने में से, जो लास्ट के 3 3 के आपने पेयर बनाए, 3 हिस्से में बांटे आपने 16 को, 3 हिस्सों में डिवाइड किया 3 फ्रेंड्स के लिए, हर एक को 5 5 मिली और एक आपकी बच गई, तो आपका इस तरीके से 5 होल 1/3। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, पर कन्वर्ट कैसे किया जाता है देखो, डिवाइड करके जो क्वेशन है वो आपका होल नंबर, डिवाइजर आपका डिनोमिनेटर और रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपका पूरा खोल के आपको समझाया जिससे आपको समझ में आ जाए, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करना मीन्स तुलना करना, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर और बोथ आर द इक्वल और नॉट, ये आपका कंपैरिजन का मतलब है कि कौन सा नंबर फ्रैक्शन नंबर बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या दोनों इक्वल है, ये आप कैसे इसको पहचानेंगे, इसके लिए आपके 3 मैंने इसके पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया। देखो फर्स्ट वन है लाइक डिनोमिनेटर एंड अनलाइक न्यूमरेटर, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन आपको क्लियर है, लाइक फ्रैक्शन फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली ये संख्या सेम होती है जिन फ्रैक्शंस की, एक से दो से ज्यादा या दो टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस, जब उनके बीच में डिनोमिनेटर सेम हो उन सब का तो वो कैसे कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा देन दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यहां पर हम किस टाइप के फ्रैक्शंस के लिए आप कंपेयर कर रहे हैं, लाइक डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर तो उनका एक जैसा है एंड अनलाइक न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आपका डिफरेंट है, यानी कि नीचे वाली संख्या तो सबकी फ्रैक्शंस की एक जैसी, दोनों फ्रैक्शंस की एक जैसी और ऊपर वाली अलग अलग है, तब आप कैसे कंपेयर करेंगे, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, कैसे कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए हैं इस साइड, इसको यहाँ पर डिफाइन किया और यहाँ पर इसके एग्जांपल से आपको क्लियर किया है। अब आप इसी के लिए देखिए, इन फ्रैक्शन 3/5 एंड 2/5, 3/5 और 2/5 को अगर आपको कंपेयर करना है तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था लाइक डिनोमिनेटर, देखो नीचे वाली दोनों संख्या क्या, ये भी 5 ये भी 5, दिस वन आर बोथ आर 5 बोथ सेम, सो दीज आर लाइक डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर देखिए इसका कितना है 3 और इसका 2 बोथ आर अनलाइक डिनोमिनेटर अनलाइक न्यूमरेटर,
तो डिनोमिनेटर लाइक है और न्यूमरेटर अनलाइक है। अब आप इसको कंपेयर करना है, तो इसमें जिसका आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। अब 3 और 2 में अगर आपने कंपेयर किया, आपको नेचुरल नंबर का कंपेयर करना आता है, तो 3 बड़ा है किससे, 2 से। सो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। अगेन दोबारा समझाती हूँ, अगर आपके न्यूमरेटर दोनों के अलग अलग हैं और डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तब आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्या देखनी है, जिसके ऊपर वाली नंबर न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। कब, जब नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे होंगे। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट। तब आपके न्यूमरेटर जो है वो कैसे है, न्यूमरेटर अनलाइक है और डिनोमिनेटर कैसे है, लाइक, यानी कि एक जैसे। अब सेकेंड इसी का, लाइक न्यूमरेटर एंड अनलाइक डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर तो एक जैसी है और डिनोमिनेटर नीचे वाली कैसी है, अलग अलग। ये वाले किस टाइप के फ्रैक्शन कहलाएंगे? दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक में सिर्फ डिनोमिनेटर देखा जाएगा, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन के बीच में कंपेरिजन है। यहाँ पर देखिए, इन फ्रैक्शन 3/8 एंड 3/5, इसमें आप दोनों को देखिए, न्यूमरेटर दोनों में 3-3 है पर डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट है। फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है आपका 8 और सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है आपका कितना, 5। अब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आपका जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। इट मीन्स इस जो है ये आपको 3-3 कोई ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट इसके पास है, 3 ऑब्जेक्ट मान लो एक फ्रेंड है उसके पास, ए कोई फ्रेंड है उसके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और दूसरे बी के पास भी 3 ऑब्जेक्ट हैं। इसने अपने ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप कोई बॉल ले सकते हैं, आप केक ले सकते हैं, कोई भी आप कोई खाने की चीज़ें ले सकते हैं, खेलने की चीज़ें, पेंसिल कलर कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 इसके पास हैं चॉकलेट और 3 इसके पास चॉकलेट है, आपने ये देखा। इसने अपनी चॉकलेट के कितने हिस्से करने, 8 हिस्से, 8 हिस्सों में इसको डिवाइड करना। और इसने अपनी 3 चॉकलेट को कितने हिस्सों में डिवाइड करना, 5 हिस्सों में। तो कौन सा बड़ा हिस्सा होगा, जब ये 3 चॉकलेट को 8 हिस्सों में डिवाइड करेगा और एक हिस्सा किसी को देगा, या 2 चॉकलेट को ये 5 हिस्सों में डिवाइड करेगा तब किसी को देगा, तो कौन बड़ा हिस्सा बांट रहा होगा अपने फ्रेंड्स को? तो कौन सा बड़ा बांटेगा, जो यहाँ पर देखिए जिसके पास ज्यादा है, इसके पास 3 है और 3 में से ये 5, तो सॉरी हम वो बेटे सॉरी मैं आप गलती से आपको आगे वाला करा गई। यहाँ पर दोबारा देखिए, इन फ्रैक्शन 3/8 एंड 3/5। अब यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन 3/8 3/5 में आपका यहाँ पर ऊपर दोनों के पास 3-3 ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि 3-3 चॉकलेट की हम बात कर रहे थे, इसके पास भी 3 इसके पास भी 3। इसने अपनी चॉकलेट के 8 पार्ट किए और इसने 5 पार्ट किए। इसने भी अपने फ्रेंड्स को दिया एक को और इसने भी अपने एक फ्रेंड को एक हिस्सा उसमें से दिया। तो इसने अपनी 3 चॉकलेट के 8 हिस्से किए और उसमें से एक दिया, तो इसने छोटे छोटे पीस किए होंगे, और इसने 3 चॉकलेट के 5 पार्ट्स किए तो इसने बड़े बड़े पीस किए होंगे। तो नेचुरली बड़ा हिस्सा किसके पास होगा, जिसने 3 चॉकलेट के 5 हिस्से किए हैं वो बड़ा होगा। ऐसे आप आसानी से समझ पा रहे हैं, ठीक है? और अदरवाइज सीधा सीधा आप ऐसे याद रखिए, अगर न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर, वो फ्रैक्शन कैसा होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर 3/5 इज ग्रेटर देन 3/8। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। एक बार मैं दोबारा रिपीट करा दूं क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया था आपको शायद थोड़ा सा मेरी वजह से। इन फ्रैक्शन 3/8 एंड 3/5, जब आपके इसमें क्या है, डिनोमिनेटर तो आपके डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है, तब अगर ऊपर वाली संख्या सेम है तो इसका मतलब सेम चीज़ को आप अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। इसमें सेम चीज़ के 8 हिस्से कर रहे हैं और इसमें सेम चीज़ के 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब सेम ऑब्जेक्ट के सेम थिंग के इक्वल पार्ट्स 8 किए जाएं या 5 पार्ट किए जाएं, तो बड़ा हिस्सा कब होगा, जब उसके छोटे कम हिस्से किए जाए, कम लोगों में बांटा जाए, तो 5 जिसमें बांटा गया वो हिस्सा बड़ा कहलाएगा। इस वजह से 3/5 इज ग्रेटर देन 3/8। Yes, now you understand this very well. Now, third, unlike numerators and unlike denominators. अगर आप unlike numerator और unlike ही denominator, यानी कि numerator भी different है और denominator भी different है, तब आप इनको पहचानेंगे कैसे, कैसे compare करेंगे, which one is greater, इसके लिए दो method है।
ये देखिए यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल समझाया, इन फ्रैक्शन 5/6 एंड 3/8, ये अब फ्रैक्शन लिए दो, एक फ्रैक्शन है 5/6, एक 3/8। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर दोनों के डिफरेंट है, इसका न्यूमरेटर 5 और इसका न्यूमरेटर 3, यहाँ डिनोमिनेटर 6 और यहाँ डिनोमिनेटर 8, तो न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अब आप कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, अगर दोनों ऊपर न्यूमरेटर वाले एक जैसे होते तो आप नीचे वाला, जिसका ऊपर वाली दोनों सेम है तो जिसका नीचे वाला छोटा होता है डिनोमिनेटर वो बड़ा हो जाता, अगर नीचे वाले दोनों सेम है तो जिसके ऊपर वाली नंबर बड़ा वो बड़ा हो जाता, पर यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट ए है, क्या है, आप इसका, आप इनका दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आई होप सबको आता होगा, 6 और 8। यहाँ पर देखो मैं छोटा सा करके दिखाती हूँ आपको, ये लिखा आपने 6 और ये लिखा 8। अब इसको कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, किससे जाएगा ये दोनों, 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 2 2 से जाएगा, 2 ये 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, 1, फिर 3 3 से जाएगा, 1 1। जब तक आपका 1 1 नहीं आ जाता आप इसको ऐसे ही डिवाइड करते हैं, फिर इन सब की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो 24 आ गया एलसीएम। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब आप यहां पर इसका 24 में आपको दोनों डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करना है। यहां देखिए आपको 6 था आपका, तो 6 को 24 बनाने के लिए आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपका प्रोडक्ट 24 हो जाए तो 6 4 जा 24, इसको 4 कैसे आया, आप 6 से ही 24 को एलसीएम को डिवाइड कीजिए, तो 6 4 जाता है, तो 4 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आप अगला नेक्स्ट फ्रैक्शन देखेंगे 3/8, हियर डिनोमिनेटर इज 8, तो 8 को भी आपको एलसीएम 24 के इक्वल करना है। इसके करने के लिए आप इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 होता है, तो 3 से न्यूमरेटर में भी और 3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसको बैलेंस बना रहे। अब आप 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, देखो यहाँ आपका हो गया 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24, 3 3 जा 9 एंड 8 3 जा 24। अब ये कैसे फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन, पहले कैसे थे ये अनलाइक फ्रैक्शन, अब क्या बन गए लाइक फ्रैक्शन। इसी तरीके से आप अनलाइक के लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, जब भी आपको ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो तब आप अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप इजीली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखो आपने ये बात भी सीख ली किस तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत सारे फ्रैक्शन लिखना होता है तब भी आप इसी तरीके से करते हैं। तब आप यहाँ आपका आंसर हो गया 10/24 और ये हो गया 9/24, बिकॉज डिनोमिनेटर बोथ आर सेम। तो ये किस तरह के हैं आपका, जैसे आपने एग्जांपल फर्स्ट इस वाले के लिए, फर्स्ट के लिए क्या था, डिनोमिनेटर तो आपके सेम थे और न्यूमरेटर डिफरेंट थे, तो अब जो ऊपर वाला नंबर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर किसका बड़ा है, ये 20, ये 9, तो 20 बड़ा है। तो इस तरीके से बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 9, सो 20/24 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 9/24, इसलिए ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब 20/24 किससे बना, ये आपका ये 5/6 से, सो 5/6 इज ग्रेटर देन 3/8। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी ऐसे ही कन्वर्ट होता है। अगर आपको 5/6 के इक्विवेलेंट और फ्रैक्शन बनाने हैं तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ हमें एलसीएम के इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो जिससे नीचे करते हैं डिनोमिनेटर में उसी से हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका 20/24 इज आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए इसका सेकेंड मेथड, इसमें अब आप क्या करेंगे, दूसरा मेथड, अगर आप ये आपको पसंद ना आए या ये आपको कम अच्छा लग रहा है, दोनों में से आप कोई सा भी मेथड कंपैरिजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन के लिए 5/6 और 3/8 के लिए हमने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5/6 और 3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स आप न्यूमरेटर को तो एज इट इज अपनी जगह पर रहने देंगे, देखो 5 यहीं कहीं रहा, 3 यहीं कहीं रहा, अब आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को दूसरी साइड
इधर 8 5 में और 6 किस में 3 में मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कैसे होता है, ऐसे इस तरीके से आपने ये देखो ऐसे क्रॉस होता है, तो आपने इनको नीचे डिनोमिनेटर को इधर और इस वाले को इधर ऐसे लेके चले गए। देखो मैंने आपको एरो से भी इंडिकेट किया गया, तो आप 5 मल्टीप्लाई 8 एंड 3 मल्टीप्लाई 6, 5 8 जा आपका कितना हो गया 40 और 3 6 जा 18, इस तरीके से आपका ये बन गया 5 8 जा 40 और 3 6 जा 18। और 40 ग्रेटर है किससे, 18 से, बिकॉज 40 इज ग्रेटर देन 18, सो 40 आपकी किस साइड के फ्रैक्शंस का ये प्रोडक्ट है, 5 अपॉन 6 के लिए आपका आया था, तो 5 अपॉन 6 इस साइड का आपका, ये आपका ग्रेटर है किससे, 3 अपॉन 18 से, जिस साइड का आपका आंसर बड़ा होगा उसी साइड का फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 5 अपॉन 6 के 40 बड़ा है तो इधर 5 अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 18, अगर इधर का नंबर बड़ा होता तो ये आपका सिंपल इधर हो जाता, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, आपको कौन सा अच्छा लगा, मेरे ख्याल से यही ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको जो भी ज्यादा अच्छा बेटर समझ में आता है उस तरीके से आप कर सकते हैं, पर आपको समझने के लिए आपको दोनों आने चाहिए, और आपकी आगे आपकी मर्जी, आप किसी से भी मेथड से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये दोनों आंसर इक्वल आते हैं, ये दोनों ये मल्टीप्लाई के दोनों आंसर इक्वल आते हैं तो वहां पर इक्वल लग जाता है, ये और समझ लीजिए कि इक्वल कब होता है, जब दोनों के आंसर इक्वल होते, यहां पर भी अगर ये दोनों इक्वल होते तो इक्वल एंड फ्रैक्शन हो जाते, इक्वल हो जाते ये। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी को आगे बढ़ाते हुए, रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म, यानी कि आपको अगर कोई भी टर्म फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मेथड है, फर्स्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये मैंने न्यूमरेटर को शॉर्ट फॉर्म में NUM करा हुआ है, डिनोमिनेटर को DEN किया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेथड है इसका करने का, कन्वर्ट करने का, लोएस्ट टर्म में डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर HCF, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इसको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, और HCF से आपको इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन के डिवाइड करना है, और जब तब उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो उसका लोएस्ट टर्म कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल, रिड्यूस 55 अपॉन 121 टू द लोएस्ट टर्म, 55 अपॉन 121 एक आपका फ्रैक्शन है किस, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट टर्म में। वैसे एक बार बताइए ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज ऊपर आपका न्यूमरेटर कैसा है, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। सो अब यहाँ पर आपका ये टॉपिक नहीं, टॉपिक है कि आपको इसका वो कैसे निकालना है, लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको HCF निकालना आना चाहिए। HCF कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैं आपको डिविजन मेथड से HCF बताती हूँ कैसे निकालते हैं। HCF ऑफ 55 एंड 121 इज 11, 11 कैसे आया, यहाँ देखिए आप आपके दो नंबर हैं, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी आपका बड़ा होगा, लार्जर नंबर को आप एज ए डिवाइडेंड यूज कीजिए और स्मॉलर नंबर को आप एज ए डिवाइजर। 55 का टेबल पढ़ेंगे, 55 टू जा 110, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया आपका बचा यहाँ 1 और 2 में से बन गया 1। अब 11 तो हो गया आपका नेक्स्ट डिवाइजर और 55 इज नेक्स्ट डिवाइडेंड। अब आप फिर 11 से 55 को डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, कितना बचा आपका रिमाइंडर 0। अब इसी सीरीज को इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे टिल देन यू गॉट द रिमाइंडर 0। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हर बार आपका डिवाइजर डिवाइडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर, यानी कि रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करना होगा जब तक वन नहीं आ जाता इस तरीके से। और जब लास्ट आपका जब जीरो आ जाएगा रिमाइंडर, देन योर लास्ट डिवाइजर विल बी योर HCF। अब यहां पर 11 आपका क्या है, HCF, इस वजह से 11 HCF है। ये आपका HCF फाइंड आउट करने का कौन सा मेथड है, डिविजन मेथड, ठीक है। अब इसको मैंने आपको पूरा शो करके दिखाया ताकि आपको ये ना हो कि हमें HCF नहीं समझ में आता। तो अब यहाँ देखिए आप 55 और 121 को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को भी 11 से डिवाइड कर दिया और आपने डिनोमिनेटर को भी, 55 का टेबल 11 में पढ़ेंगे कितने जा जाएगा आपका 5 जा, और 11 का टेबल 121 में 11 बन जा, फिर अगेन 11 बन जा, 5 और 11 इज योर आंसर विच इज इन द लोएस्ट टर्म फॉर 55 अपॉन 121। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब यहाँ एक सेकंड मेथड बताते हैं जो ज्यादातर अभी छोटे बच्चे इसी को यूज करते हैं, मेथड टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। कॉमन फैक्टर यानी कि जैसे 16/24, या मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है, 16/24 को देखो दोनों किसके टेबल में आते हैं। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आपको फिर दोबारा वही यूज होते हैं। ये चीजें आपको कभी भी बिल्कुल नहीं भूलनी है। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 6, यहाँ पर लास्ट डिजिट देखिए 6 है और यहाँ पर 4, बोथ लास्ट डिजिट आर डिविजिबल बाय 2, देन 16 एंड 24 बोथ आर आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब आप 16 और 24 दोनों को 2-2 से डिवाइड करेंगे। 16 और 24, जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। 16 को काट कर ऊपर लिखिए 2 8 16, और यहाँ 12 24, है ना, 2 12 24 24, फिर दोबारा 2 से ऐसे इसको काट कर ऊपर लिखते जाते हैं, इसको नीचे ऐसे भी कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ मैंने आपको शो करके दिखाया। अब 16 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे और 24 को भी, बिकॉज 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ फॉर 16 एंड 24, अब आपका आंसर आया इसका 8 और इसका 2 12 24 12। अब आप फिर दोबारा इसको 8 को किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 8 और 12 दोनों 2 के डिविजन है, दोनों को 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 4 2 8 4 8, और ये 2 6 12, अगेन इन दोनों को आपने 2 से डिवाइड किया क्योंकि 4 और 6 अगेन डिविजन बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड किया, अब आपका हो गया 2/3। अब आप देखेंगे 2/3 के लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि दोनों किसी भी सेम नंबर से डिविजन नहीं है, तो अब आप इसका, ये आपका लोएस्ट टर्म हो गया। इस मेथड से भी आप इसको कर सकती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये क्लियर है तब आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चलेगा आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन के ऐड कैसे करनी है ये मैं अब आपको समझाऊंगी। इसके लिए आप देखिए, मैंने आपको 7/13, 2/13 इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पर मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी था, आपको जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लाइक फ्रैक्शन का तो सिंपल हो जाता है, और ये मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी। इतने तक आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट आपकी वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्लियर करूंगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इतना ही कीजिए, ओके, पहले आप ये सब चीजें करके देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।